जो उनके समर्थक उनका इंतजार कर रहे थे, वे उन्हें निराश नहीं कर रहे बल्कि सभी से धैर्य के साथ मुलाकात यहाँ कर रहे हैं। देखिए, ये आंदोलन की पुरानी परंपरा रही है, तो शुरू से अब तक एक ही कार्यकर्ता भी जो एयरपोर्ट पर आते हैं उनसे मिलते हैं, अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और जिस तरीके से अशोक गहलोत के साथ में लोगों का जुड़ाव रहा है, ये उसी का नतीजा है कि वो सामान्य दौरे पे आएंगे उनकी भीड़ होती है और अगर जनरल मिलने आते हैं या किसी पार्टी के साथ है तो यही आप देख सकते हैं। अशोक गहलोत का आप गहरा देख पा रहे हैं किस तरीके से आत्मीयता जो है वो लोगों से मिल रहे हैं और उनके साथ में कुछ के वरिष्ठ नेता है वो भी यहाँ पर साथ में मौजूद है। जी बिल्कुल, और सभी से वे बात कर रहे हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा और समय लग सकता है राजीव, और उसके बाद वे आगे रवाना हो जाएंगे। कौन कौन से नेता उनकी पार्टी के मौजूद रहेंगे जो अगले पड़ाव तक उनके साथ जाएं, जहाँ कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होगी अगर वे अपने घर नहीं जाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपनी पार्टी के जुड़े कार्यक्रमों से? तो निश्चित रूप से जो कायलाना है, कायलाना में जहाँ बैठेंगे वहाँ पे राजेंद्र सोलंकी, सईद अंसारी और सुनील परिहार की जो जिम्मेदारी निश्चित की गई है और इसीलिए वहाँ बैठ करके मंथन करेंगे। आप देख सकते हैं अशोक गहलोत आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से अशोक गहलोत का अभिवादन हो रहा है, अधिकांश लोग हालांकि भी लेकर के आए हैं, सारी साफा पहले अशोक गहलोत कार्यकर्ताओं से जो जुड़ाव है आप उसकी तस्वीरें सीधी देख पा रहे हैं, लोगों से जुड़ा है। तो चलिए पहले ये तस्वीरें ही अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जहां सभी से बातचीत कर रहे हैं, सभी से हाथ जोड़कर उनकी जो बधाइयां हैं दीपावली की हों और शुभकामनाएं भविष्य के लिए हों, वे सभी को स्वीकार करते हुए हाथ में पर्चे थमाए जा रहे हैं जहां अपने मांगों को लेकर या फिर अपने किसी आवेदन को लेकर फूल मालाओं से यहां अशोक गहलोत का स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें आपको जोधपुर एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं जहां अशोक गहलोत आज से 3 दिनों के दौरे पर जोधपुर में ही रहेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।